संसद में संवैधानिक आवाज तो उठ रही है, लेकिन क्या आपके सांसदों को पता है कि दिल्ली के कॉलेज में ओबीसी के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई और उनको नॉट फाउंड सुटेबल कह दिया गया? आप अंदाजा लगाइए कितने सांसदों को पता होगा। बीजेपी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह से रोहित बेमुला से लेकर इस देश के लाखों बहुजन युवाओं को, मैं बहुजन कह रहा हूं, SC ST युवाओं ने जिस तरह से और खासकर शेड्यूल कास्ट के युवाओं ने अपनी कुर्बानी दी, SC ST एक्ट बचाने के लिए उनकी कुर्बानी गई, लाखों देश भर में, लाख कह रहा हूं मैं, 1 लाख से ज्यादा लोग जेलों में बंद किए गए, FIR झेल रहे हैं, न जाने गलियों में कितनों को मारा गया, पीटा गया, न जाने कितने प्रशांत कनौजिया जैसे पत्रकारों की नौकरी गई, उनको जेल में डाला गया, न जाने कितने डॉक्टर ऋतु की नौकरी गई, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की नौकरी गई, और न जाने कितने प्रोफेसर रतनलाल की तरह गिरफ्तार किए गए, और न जाने कितने प्रोफेसर रविकांत जी जैसे लोगों पर हमला हुआ, और न जाने कितने शंभू कुमार सिंह जैसे पत्रकारों के साथ लिंचिंग की कोशिश हुई, तमाम तरीके से साम दाम दंड भेद, कभी कोर्ट कचहरी, कभी पुलिस मुकदमा, कभी इनकम टैक्स ED के जरिए फंसाने की कोशिश हुई। लेकिन ठीक ही कहा था बाबा साहब ने कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी, और वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या अभी भी दलित, पिछड़े, बैकवर्ड सिर्फ हाथ में संविधान लेने तक पहुंचे हैं? क्या मुस्लिम समाज के लोग हाथ में संविधान लेने तक पहुंचे हैं? क्या संसद में जो लोग गए हैं वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत नहीं है? आज चंद्रशेखर आजाद रावण इकलौते सांसद थे जिन्होंने अपने इतिहास को गौरवान्वित किया, और उन्होंने संसद के पटल पर कहा जो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, सर मैं साहू जी महाराज आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोकसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। सर बहुत सारे सदस्यों ने आपकी तारीफ की, और मैं खुद आपसे सर मिला हूं। जब मुझे एक परेशानी आई तो आपने मेरा संरक्षण किया। सर हम नई पार्टी हैं और मैं अपने लोगों की आजाद आवाज हूं। सर मैं आपसे संरक्षण की अपील करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप संरक्षण करेंगे। सर सर मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, प्रकृति आपको लोकतंत्र की रक्षा करने की जो है ताकत प्रदान करे। साथ साथ सर मैं पूरे सदन को आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती, उसके लिए भी बधाई देता हूं सर। और मैं आपसे आग्रह करता हूं सर, हमारे लोग बहुत बुरी हालात में हैं सर वहां, और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा सर हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो आपसे संरक्षण की अपील, और पुनः आपको बधाई और सभी सदस्यों को बधाई सर, धन्यवाद। तो ये जो आपने सुना साहू जी महाराज की जयंती की बधाई, क्या ये राहुल गांधी बोल पाएंगे? उनको पता भी होगा? क्या ये अखिलेश यादव बोल पाएंगे? क्या उनको पता भी होगा? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी मामला बहुत आगे तक नहीं पहुंचा है। अभी आपने जिनको संसद में चुन के भेजा है वो जातिवाद, मनुवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का अंतर नहीं समझ रहे हैं, और अगर वो समझ रहे होते तो धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही, धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही कम से कम बिहार में जो जाति जनगणना हुए और जो 65% रिजर्वेशन हुआ SC ST OBC का, हाई कोर्ट में जिस तरह से उस पर रोक लगाई गई, किसी ने उस पर सवाल तो उठाया होता। मैं फिर कह रहा हूं अभी लंबा समय लगेगा, और हमें फूले, पेरियार, अंबेडकर, मान्यवर कांसी राम साहब, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव के विचारों से लैस, फूलन देवी के विचारों से लैस लोगों को संसद भेजना होगा। और फिलहाल तो ऐसी उम्मीद सिर्फ चंद्रशेखर आजाद से दिख रही है, लेकिन सवाल है कि उनको समय कितना मिलेगा। वो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, अगर बहुत ज्यादा भी उन पर रहमो करम दिखाई गई तो 1 से 5 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी जिनको लेकर इस देश का दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम समाज के लोग खुश हैं, क्या राहुल गांधी को इन मुद्दों की समझ भी है? अगर इन मुद्दों की समझ होती तो लीडर ऑफ अपोजिशन जिस समय इस मुस्लिम सांसद को धमकाया जा रहा था, आबा सैयद रहुला, वो कम से कम बोलते। सुनिए जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है,
आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में, जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज को, उस नाजायज आवाज को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाजों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में, जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से तो सोचिए, ओम बिरला हैं, ये पहले कहते हैं बैठिए, उसके बाद कहते हैं कि बैठो, और फिर कहते हैं बैठिए। खैर, असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी है, चंद्रशेखर ने भी बात रखी, लेकिन सवाल वही है कि क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जो सांसद हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति कितने सजग हैं, कितने जागरूक हैं। ये सिर्फ एक शख्स में दिखाई दे रहा है, और वो है चंद्रशेखर आज़ाद। सोचिए, साहू जी महाराज, आरक्षण के जनक, शिवाजी महाराज के वंशज, उनकी जयंती पर भी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी तक आपके सांसद की इतनी समझ बढ़ी है, वो भी मुश्किल से एक दर्जन, जो संविधान की शपथ ले रहे हैं, लेकिन क्या आपके संवैधानिक अधिकार के प्रति कोई नजरिया है? सिंगोल को लेकर भी एक सांसद ने लिखा, आरके चौधरी, मोहनलालगंज से हैं सांसद, उन्होंने लिखा है कि क्या ये रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, संसद में वो चले गए, सवाल है कि क्या जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को ये लोग उठाएंगे? SC ST कर्मियों के डिमोशन का आदेश जारी, मुख्य सचिव आलोक रंजन ने प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ पाया, प्रदेश के सभी विभागों के हजारों SC ST अधिकारियों कर्मचारियों को नीचे कर दिया था। ये सपा के कार्यकाल में हुआ था, और ये पाप सवा के माथे पर नाचता रहेगा जब तक वो इसका विकल्प नहीं ढूंढता है। उससे आगे भी एक वीडियो बताऊंगा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का बड़ा ऐलान, कहा बिहार में भूमिहीनों को मिलेगा 3 डिसमिल जमीन, सभी जिलों में जल्द लगाया जाएगा कैंप। तो चलिए, देर सवेर ही सही, अपने को अपने की याद आती है, और ये बड़ी खबर है। लेकिन सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संसद से जिस तरह से मूर्ति को डिस्प्लेस किया गया है, उसको लेकर आज एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। डॉक्टर उदितराज के नेतृत्व में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उसको गलत कहा। लेकिन सबसे बड़ी खबर पर मैं आ रहा हूँ, क्या ये आपके नेताओं को पता भी होगा? जो सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, आज भी संसद में साहू जी महाराज का कोई नाम लेने वाला नहीं है, एक सांसद नाम लेता है जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। अब बताइए, समाजवादी पार्टी के 37 लोग क्या सिर्फ हाथ में संविधान लेकर गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये पूछा जाना चाहिए कि जब PDA के नाम पर आपको पावर मिला है, तो आप कब तक, एक भी सांसद ने क्लोजियम, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक सांसद हैं, और अगर वो अपने बहुजन महापुरुषों की बात नहीं करते हैं, अगर वो कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलते हैं, अगर वो जाति जनगणना की मांग नहीं करते हैं, अगर वो SC ST रिजर्वेशन की, जाति जन OBC का 65% 70% रिजर्वेशन नहीं करते हैं, अगर वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के खिलाफ नहीं है, आरक्षण के खिलाफ है, तो मान लीजिए उनका बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा नारा सिर्फ वोट का नारा है, वो आपके आर्थिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तत्पर नहीं है। एक तस्वीरें देखी है जो मैं आपको दिखा दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साहू जी महाराज को नमन किया है, तो चलिए ये भी एक बड़ी बात है जो मैं आपको दिखा रहा था। जितेंद्र मीना ने इसी को लेकर एक बड़ा ट्वीट किया है जो आपको बताना चाहूंगा। सोचिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भारत सरकार को जाति जनगणना के लिए लिखा है पत्र, अब सभी दलों को जाति जनगणना की मांग संसद पटल से शुरू करनी होगी, भारत आदिवासी पार्टी जाति जनगणना का पुरजोर समर्थन करती है। जितेंद्र मीना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और उसके बाद जिस तरह से राजकुमार राउत के साथ रहते हैं, इन्होंने ये बड़ा मांग उठाया है,
और ये दोनों लोग एक साथ है, राजकुमार राउत और चंद्रशेखर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सवाल है कि क्या आपके सांसदों ने पहला दिन अगर दबाव बनाया होता, इन मुद्दों पर बात की होती तो क्या नजारा होता। चलिए थोड़ा बहुत तो संसद डाइवर्स हुआ इस बार। ये संजना जाटव हैं अपने परिवार के साथ, अपने समर्थकों के साथ, और इस तरह की तस्वीरों के लिए आंख तरस गई थी। लेकिन ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जनता ने जो पिछले 10 सालों में संघर्ष किया है, सेक्रीफाइस किया है, और मैं फिर कह रहा हूँ अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा। प्रबुद्ध नगर का नाम शामली कर दिया था, भीम नगर का नाम संभल, पंसील नगर का नाम हापुड़, महामाया नगर का हाथरथ, ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा, कांसीराम नगर कासगंज, छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज को अमेठी, रमाबाई नगर कानपुर देहात, संत रविदास नगर भदोही, ये वो तमाम नाम थे जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बहुजन महापुरुषों के नाम पर किया था, और अखिलेश यादव जी ने एक झटके में इन नामों को हटा दिया था और अब पीडीए पीडीए कर रहे हैं। और सोचिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में ओबीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट को एनएफएस किए जाने के बाद मुंह में दही जमाने वाले ओबीसी प्रोफेसर भी जवान रखते हैं क्या? सोचिए, लेडी श्रीराम कॉलेज में अनरिजर्व जनरल का कंचन वर्मा, उसके बाद ईवीएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का नेहा कुमारी, उसके बाद दिव्यांग का सुनीता गुरुंग, और उसी में लिख दिया गया है ओबीसी कैटेगरी के सिलेक्टेड सिलेक्शन कमेटी ने, इट इज हर्बली नोटिफाइड एट नो कैंडिडेट इन अदर बैकवर्ड क्लासेस। सोचिए, नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया गया है, तो आपके बच्चों को नौकरियां नहीं दी जा रही है। और मुझे नहीं पता आपके सांसदों को ये खबर पता है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज जैसे ही अरुण गोविल मेरठ के सांसद है, उन्होंने जय श्री राम कहा तो उनकी आवाज़ में जय भीम का नारा गूंजा, तो ये थोड़ा बहुत तो दिखने को लगा है। लेकिन सवाल है कि राजनीतिक अधिकार तो मिल रहा है। लक्ष्मण यादव ने भी जो ट्वीट किया है लेडी श्री राम कॉलेज को लेकर, तो सवाल है कि क्या उनके पार्टी को पता होगा, क्या उनके पार्टी के नेता बोलेंगे, अब वो समाजवादी पार्टी ऑफिशियल ज्वाइन कर चुके हैं। कंचना यादव ने भी लेडी श्री राम का मुद्दा उठाया है, आरजेडी की प्रवक्ता है। देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी पार्टी इस पर संसद में क्या रुख अपनाती है। और लालजी वर्मा से उम्मीद है, भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था प्रश्न पत्र 6 गिरफ्तार, संदीप पांडे, शर्मा, प्रजापति, रघुवंशी, उपाध्याय और दुबे, देखना है कि इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये तमाम सवर्ण पत्रकार, जो लिबरल पत्रकार जिनको आप देखते हैं, उनको पता होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मनुवाद के झंडा बरदार हरदम मेरिट के नाम पर छाती पीरते, ईडब्ल्यूएस के नाम संविधान को ताक पर रखकर आरक्षण लेते हैं। अब सवाल है कि गरीबी का नाटक करके आरक्षण लेने वाले गरीबी सुदामा एमबीबीएस की 1,32,00,000 रुपए की फीस कहां से लाते हैं? सोचिए, ईबीएस को 1,32,00,000 की फीस देनी है। अनिल जैन राहुल गांधी के करीबी हैं, देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी को इन सब मुद्दों पर वो गाइड कर पाते हैं कि नहीं। और यूपी में 12 जिलों का के डीएम का तबादला हो गया, इन 12 जिलों के 11 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की हार हुई थी, ये अनिल यादव ने ट्वीट किया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जिस तरह से आप सोचिए, किस तरह से इस देश में अभी भी अंबेडकरिज्म विचारधारा के मूल्यों पर चलने वाली बीएसपी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, एक भी सांसद सदन में नहीं है। बाबा साहब का नाम लेकर, जय भीम बोलकर, संविधान की प्रति दिखाकर, संविधान के रक्षा के नाम पर आरक्षण की लिमिट बढ़ाने का वादा, जाति जनगणना का वादा, कांग्रेस पार्टी 99 सीट जीत ली और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए, और यह सब कांग्रेस ने ओबीसी एससी एसटी के सलाहकारों के दम पर किया है। तो सोचिए, सवाल है कि एससी एसटी ओबीसी के नाम पर जो कांग्रेस आई है, क्या वो उनके अधिकारों को लेकर बात करेगी और क्या उनके सांसद बोलेंगे। और सोचिए, बरेली के बीजेपी सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने शपथ में हिंदू राष्ट्र की बात की है, ओबीसी समाज से आते हैं। सवाल है कि गंगवार साहब को बताना चाहिए कि आपके समाज को क्या मिलेगा और इस देश के जो एससी एसटी ओबीसी है उनको क्या मिलेगा। तो ऐसे दिग्भ्रमित लोग भी हैं, लेकिन सवाल है कि बीजेपी और कांग्रेस से क्या उम्मीद की जाए, जो पीडीए और बैकवर्ड दलित के नाम पर आ रहे हैं, वो भी अब माई बाप हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में 24 कैरेट गोल्ड कोई पार्टी है तो वो बीएसपी है, और बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा, राजभर, ऐसे तमाम नेता उन्हीं ट्रेनिंग से निकले हैं, इसलिए थोड़ा बहुत संसद में गूंज है। लेकिन सवाल है कि जो आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, संवैधानिक में हमें वोट, राजनीतिक अधिकार तो है,
अब हम सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जो लोग संसद जा रहे हैं क्या वो हमारे राजनीतिक और सामाजिक के बाद आर्थिक अधिकारों के लिए सजग हैं? क्या उनको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में ओबीसी को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जा रहा है? पता हो न हो बात करते रहिए, एक न एक दिन उनको पता जरूर चलेगा। 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।